हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। ये है दिव्या आमला रसायन। इसकी प्राइस 65 रुपीज़ है, जो आपको 100 ग्राम की पैकिंग में किसी भी पतंजलि स्टोर में मिल जाएगा। वहाँ से आप इसे खरीद सकते हैं या फिर आप इसे घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। इसके अंदर 80 ग्राम सूखा आमला और इसके साथ ही 300 ग्राम फ्रेश आमला जूस को मिलाया गया है। इस दिव्या आमला रसायन को बाबा रामदेव जी द्वारा तैयार किया गया है। तो गाइस, इसके फायदे और नुकसान के बारे में आगे हम वीडियो में जानेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले बात करेंगे आपके बालों की। तो अगर आपके बाल उम्र से पहले सफ़ेद हो रहे हैं, बाल काफ़ी झड़ रहे हैं, आपके बाल काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं, तो ये आपके बालों को मजबूत और स्वस्थ बनाने का काम करता है। बालों से संबंधित समस्याओं को दूर करता है, बालों को लंबा, घना और काला बनाने का काम करता है। ये खून में रेड ब्लड सेल्स का निर्माण करता है और हीमोग्लोबिन के स्तर को भी बढ़ाता है, जिससे शरीर में आई खून की कमी भी दूर होती है। ये शरीर की इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाता है, यानी जो लोग मौसम बदलने के कारण या वैसे ही बार बार बीमार पड़ जाते हैं, सर्दी खांसी जुकाम बुखार एलर्जी, इन समस्याओं से वे काफ़ी परेशान रहते हैं। ये समस्या उनके इम्यूनिटी पावर वीक होने की वजह से होती है। तो ये आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाकर आपको स्वस्थ रखता है, जिससे आप अनेक बीमारियों से बचे रहते हैं और आप काफ़ी स्वस्थ रहते हैं। आमला में फाइबर काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। अगर आपको लंबे समय से कब्ज़ यानी कंस्टिपेशन की समस्या है, आपका पेट अच्छी तरह से साफ नहीं होता है, तो ऐसे में आपको नियमित तौर पर आमला रसायन का प्रयोग करना चाहिए। इसका प्रयोग करके आप कब्ज़ की समस्या से राहत पा सकते हैं, आपकी कंस्टिपेशन की समस्या जड़ से ख़त्म हो जाएगी। और इसके साथ ही साथ आपको खाना खाने के बाद या वैसे ही गैस, एसिडिटी, अपच, खट्टी रकारे आना, पेट में जलन, इस तरह की समस्या रहती है, तो आमला रसायन का इन सभी समस्याओं में काफ़ी ज़बरदस्त फ़ायदा देखने को मिलता है, यानी इस सभी समस्याओं में आपको इससे काफ़ी राहत मिलती है। आमला रसायन में एंटी एजिंग गुण मौजूद होते हैं, जिस कारण ये आपको लंबी उम्र तक जवान बनाए रखने का काम करता है और आपके चेहरे पर एक नेचुरल चमक सी बनी रहती है। ये आपकी आँखों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। ये आपकी आँखों की रोशनी को बढ़ाने का काम करता है। इसके अलावा आँखों में जलन, आँखों में पानी आना, इस सभी समस्याओं में आपको राहत देता है, जिससे आपकी आंखें स्वस्थ बनी रहती है। अगर आपके शरीर में थकान सी बनी रहती है, कमजोरी रहती है, शरीर में एक कालापन सा रहता है, काम करने की इच्छा ही नहीं करती है, तो उन लोगों को इसका सेवन करना चाहिए। यानी ये आपकी ओवरऑल हेल्थ को सुधारने का काम करता है, जिससे आप काफ़ी स्वस्थ रहते हैं। अब बात करते हैं इसे लेना कैसे है। आप इसे दिन में 2 बार, मतलब सुबह और शाम, खाली पेट में 2 से 3 ग्राम नॉर्मल पानी के साथ या फिर शहद के साथ भी ले सकते हैं। अब हम जानेंगे आमला रसायन के नुकसान। आमला रसायन के नुकसान की बात करें तो वैसे इसके कोई भी नुकसान या साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी इसे लेने के बाद अगर आपको हेल्थ में कुछ इश्यू लगता है, तो आप इसे लेना बंद भी कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल करने से पहले अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। इसके अलावा जिन लोगों की कोई अन्य बीमारी की मेडिसिन चल रही है, तो वह भी इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह ले लें। इसके अलावा जो महिला प्रेग्नेंट है, वह भी इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह अवश्य लें, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान कोई अन्य मेडिसिन लेना सही नहीं होता। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। नमस्कार।